सीन ये है कि फ़िलहाल हम आए मामी के साथ स्कूल। अभी सुबह सुबह हमें जाना था रनिंग पे, तो हम आ गए हैं अभी तो स्कूल पे। तो अभी हमने सोचा कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, तो रनिंग यहीं पे कर लेते हैं। तो अभी हमने यहीं पे रनिंग कर ली, तो आज मैं समथिंग कुछ 2 से 3 किलोमीटर दौड़ा। तो अब बढ़ाएँगे धीरे धीरे। हाँ, तो आज हमें एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी ये इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्कूल जो है 2 साल से स्कूल की बिल्डिंग तोड़ दी है। अब ये जो तोड़ तो दी, अब ये लोग ग्रांट के लिए वेट कर रहे हैं कि नई बनवाने के लिए, मतलब रिनोवेशन के लिए तोड़ी है, यूँ ही नहीं तोड़ी है। तो तोड़ी पर अब नॉर्मली ये होना चाहिए कि भाई पहले ग्रांट लो, फिर तोड़ो, फिर नई बनाओ, तो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बच्चों को पढ़ना भी तो है स्कूल में। तो अब ये नहीं हुआ, और ये सरकार में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब रूल है कि पहले आप स्कूल तोड़ो, उसके बाद चेक होगा, मतलब ऑडिट आएगी कि स्कूल तोड़ दिया है, अब ग्रांट दे। तब वो सब हो गया, अब 2 साल से तोड़ चुके हैं ये लोग, अब ग्रांट का कोई अता पता नहीं है। और स्कूल तो तोड़ दी, पर अब ग्रांट का कोई अता पता है नहीं। अब ये जो हम जहाँ जिस ज़मीन पे चल रहे हैं, वही बस इसी बंजर ज़मीन पे पहले कभी बिल्डिंग हुआ करती थी स्कूल की। अभी तो आप लोगों से थोड़ी गुजारिश है सरकार से कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान रखो, करो स्कूल का भी कुछ, बच्चों का कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो जाए। हैं, स्कूल का नाम तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि फिर क्या है, कहीं यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमें किसी का कुछ बुरा नहीं करना क्या, सही है ना। अभी ये कोरोना काल में लोग बोल रहे थे कि फ़ीस कम करवाओ स्कूल की और वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपको फ़ीस से इतनी प्रॉब्लम है ही, तो फिर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को रखते ही क्यों, गवर्नमेंट स्कूल में रखो। पर भैया ये वजह है, ये वजह है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का कुछ ठिकाना नहीं होता, क्या करें। तो जो लोग बोलते हैं कि भैया गवर्नमेंट स्कूल में डालो, प्राइवेट स्कूल में क्यों डालते हो, डालना है तो फिर फीस भरो, तो ये वजह है, तो पहले कर लो, गवर्नमेंट को बोलो थोड़ा बहुत, पब्लिक आप लोग ही तो आए, आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, तो मैं अभी स्कूल से वापस आ चुका हूँ, और स्कूल आके मैं गया था नवरंगपुरा, इसलिए वो आधार अपडेट करवाना था, तो आधार में बहुत कुछ ईमेल, फ़ोन नंबर सब वगैरह वगैरह, तो अपने नवरंगपुरा जाके आधार अपडेट करवा के अंगूठा लगवा के आ गया वापस। और वो व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम था, और फटाफट से मैं स्कूल से आके तुरंत ही निकल गया और जाके फिर आ गया। अब चालू बाइक पे मैं अकेला था तो शूट नहीं कर, बस फिलहाल अभी जाना है सुशु के घर। सुशु सुशु बिजी बोल बोल है? क्या बोलूं? कुछ भी, मेरे को बाबा ये क्या बोला? कौन सी भाषा में बोल रहे हो भाई?